एक सेकंड। ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಇದೆಯಾ? ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ತರದ ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆಯಾ? ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಗಳ ತರದ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆಯಾ? ಬೆಂಕಿಯ ಚೆಂಡಿನಂತಹ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾರಿ ಬಂದಿದ್ದು ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಂದ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸಿಎಎ, ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ರದ್ದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ರದ್ದು ಮುಂತಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವೆಂಕಿಯಾದರು ಅಮಿತ್ ಶಾ. ये आप कह रहे हैं, लेकिन जैसे फॉरेन मीडिया को अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि एक के बाद एक जो आपने किए, चाहे ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, सीएए हो. एक सेकंड, फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या? नहीं है. उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या? फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या? नहीं है. उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या? फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या? नहीं है. उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या? फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या? नहीं है. उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या? फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या? नहीं है. उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या? फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या? नहीं है. उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या? फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या? नहीं है. उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या? फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या? नहीं है. उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या? फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या? नहीं है. उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या?